हयात एपिसोड 12 इज एन नोन अलिफ। सुबह से ही सब तैयारियों में लगे थे। फ्रूट, मेवे, खुश्क मिठाइयाँ, बहुत सा और खाने पीने का सामान बतौर हदिया पैक किया जा रहा था। दादी, आप रुकेंगी ना मेरे साथ? हर कोई खुश था, बस हयात मैडम के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। हम क्यों रुकेंगे भला, दादी के बजाय अहमद ने जवाब दिया था, जो सुबह से इसे तंग किया जा रहा था। भाई, वो मिनमनाई थी। अहमद ना सता मेरी बच्ची को, इसे पकड़ कर पास बिठाया था और इसके बालों में उंगलियां चलाते हुए इसके खदशात जानने की कोशिश की थी। इतना हुआ था कि वो नौफिल अहमद ख़ान का दर्द जानने के बाद वो अपनी तकलीफ़ में कमी महसूस कर रही थी और पहले की तरह सबसे बातें भी कर रही थी, मगर नौफिल अहमद ख़ान के सामने आने से वो अब भी गुरेज़ां थी। आपको नहीं पता दादी, वो जैसे दिखते हैं ना वैसे बिल्कुल नहीं है। तो फिर कैसे हैं? अहमद ने फिर नुक्ता उठाया। सबके सामने गोद में उठा कर ले गए थे जैसे मैं कोई बच्ची हूँ, और कहा कि सारे शोहर उठाते हैं। मम्मा को कब उठाया पापा ने? इसकी शिकायत पर दादी को यकीन था कि इनकी पोती इस मामले में कम फहमी और अपनी इस मासूमियत से अपने शोहर को सबके सामने बहुत शर्मिंदा करवाने वाली है। वो सोच चुकी थी कि इन्हें नौफिल से खुद बात करनी पड़ेगी। इसकी आंखों में अपनी पोती के लिए प्यार और एहतराम तो वो देख ही चुकी थी। अल्लाह अकबर, इनके तो हाथों में दर्द हो गया होगा। क्यों, इसने हमें उचका कर हंसते हुए अहमद की तरफ देखा, इतने वजन को उठाकर। नहीं, वो कह रहे थे कि मुझे यहाँ खाना पानी नहीं दिया जाता, इसलिए 20 की होकर भी 15 की लगती हूँ। इसके मुंह बसूर कर कहने पर अब के सिर्फ अहमद का ही नहीं, इसके माँ बाप का कह कहा भी शामिल था। कुछ देर बाद सब लोग वहीं जमा हो गए थे। राबिया बेगम भी अपने दोनों बच्चों समेत आ गई थी। अब मिनाल पहले के मुकाबले में सहतियाब हो रही थी। कपड़े भी हयात जैसे पहनने लगी थी। फरहान सिद्दीकी को लगा था इनके बच्चों को इस नाजुक रिश्ते की अहमियत और कदर के बारे में पता होना चाहिए, खासकर हयात को जिस मामले में वो बिल्कुल कोरी थी। वो एक स्कूल में इस्लामिक के टीचर थे और अपने यहाँ के मस्जिद में दर्स व तदरीस का काम भी अंजाम दे देते थे, और रोज़ाना इनके खुद के घर में वो तालीम की पाबंदी करवाते थे। सबके नंबर लगे हुए थे, मगर कभी वो निकाह के बारे में तालीम नहीं दे पाए थे और ना घर में किसी औरत को इसका एहसास हुआ था। आज बहुत कीमती बात बता रहा हूँ अपने बच्चों को, यकीन है सब समझेंगे। फरहान सिद्दीकी के कहने पर सब इनकी तरफ मुतवज्जा हो चुके थे। तो मेरे बच्चों, निकाह दुनिया का सबसे बड़ा रिश्ता है, क्योंकि ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है जो इसने मर्द और औरत में सबसे पहले कायम किया, और अल्लाह के नबी की सुन्नत के मुताबिक मोमिन का निस्फ ईमान, और जो लोग निकाह में होते हुए भी गुनाह की तरफ बढ़ते, इनके लिए अल्लाह ने बड़ी सज़ा रखी है और जहन्नुम में इनका ठिकाना है। अल्लाह के पसंदीदा लोग वो हैं जो मियाँ बीवी के ताल्लुक को बेहतरीन बनाने में मुआवन मददगार होते हैं, और अल्लाह के दोस्त भी। और सबसे ज़्यादा नापसंदीदा और शैतान के दोस्त वो लोग हैं जो मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा फसाद बरपा करें और इनके कतः ताल्लुक का बायस बने। ऐसे लोगों पर अल्लाह की लानत है। मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत और एहतराम और भरोसा लाजमी जज्व हैं। अगर इनमें से एक में भी कमी होती है तो वो रिश्ता समझौते की बुनियाद पर टिका होता है, जिसमें सिर्फ वो लोग ज़िंदगी गुजारते हैं, जीते नहीं हैं, और इनके रिश्ते का हुस्न मांद पड़ जाता है, जिसमें ज़्यादातर औरत मज़लूम होती है और कभी कभार मर्द। और जिनके रिश्ते में ये चीज़ें मौजूद हों, वो अपनी ज़िंदगी का हर एक पल जीते हैं और एक दूसरे की कमियों को नज़रअंदाज करके हर पल अल्लाह की नेमतों को हासिल करते रहते हैं, और यही लोग असल में खुशहाल हैं। जब मियाँ बीवी एक दूसरे को मोहब्बत की नज़र से देख कर मुस्कुराते हैं, तो अल्लाह भी इन्हें देख कर मुस्कुराता है। इसे सबसे ज़्यादा खुशी मियाँ बीवी को खुश देख कर होती है। इस रिश्ते को खुश असलूबी से निभाना ही अल्लाह की इस नेमत का शुक्र अदा करना है और इसकी इस निशानी की कदर करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजबे में पूछा गया, आपको सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे है? फ़ौरन जवाब दिया, आयशा से। और एक मरतबा रास्ते में तेज़ी से चल कर गए और अम्मा आयशा को गले लगा लिया। आखिरी वक्त में इनका सर मुबारक अम्मा आयशा की गोद में था। तो मेरे बच्चों, ये वाहिद रिश्ता है जिसमें अल्लाह ने हर फ़ैल को सुकून का बायस और पाई से सवाब बनाया है। बस अल्लाह की तय करदा हदूद का ख्याल रखा जाए, और जिस फ़ैल के करने से सख्ती से ममानियत है, इसके करीब भी ना जाया जाए। तो मेरे बच्चों, अपने ईमान की हिफाजत करो, और निकाह ईमान को बचाने का बेहतरीन तोहफा है जो तुम्हें हराम से बचाता है। एक बुजुर्ग ने फरमाया, जब तुम्हें हराम दाखिल होता है तो तुम्हारे अंदर से ईमान निकल जाता है। हराम और ईमान एक जिस्म में एक साथ दाखिल नहीं हो सकते, एक दाखिल होगा दूसरा निकल जाएगा।
फिर क्या मोमिन और क्या काफिर और मियाँ बीवी का रिश्ता नस्फ ईमान है। एक दूसरे की बात मानो, एक दूसरे का एहतराम करो, एक दूसरे से मोहब्बत करो, एक दूसरे पर भरोसा करो, फैसला लो तो बाहमी मशवरे से, एक दूसरे में कमी देखो तो नरमी से दूर करने की कोशिश करो, एक दूसरे की सतर्पोशी करो। तन्हाई की बातों को दूसरों के सामने करने वाला जानी है तो इस बड़े गुनाह से खुद की हिफाजत करो। एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार करते रहा करो, क्योंकि इससे तुम्हारे रिश्ते की ताजगी बरकरार रहती है। इनके चारों बच्चे तुमसादे इन्हें सुन रहे थे, और दादी अपने बेटे की कलमंदी को दाद दिए बगैर नहीं रही थी, जिसने बहुत सही तरीके से सही वक्त सही बात की थी, अपने बच्चों को बतलाई थी। और अम्मा, आपने मेरे लिए बेहतरीन हमसफ़र का इंतखाब किया है, जो मेरे लिए वाकई मेरा निस्फ ईमान है और अल्लाह की बड़ी नेमतों में से एक नेमत, और मुझे इस नेमत से बहुत मोहब्बत है। और पहली बार उन्होंने सबके सामने अपनी बीवी से इजहार मोहब्बत करके ना सिर्फ एक सुन्नत अदा की थी, बल्कि इन्हें इस रिश्ते को खूबसूरती का भी इदराक करवाया था। सभी बच्चे कुछ ना कुछ जानते थे, एक बस हयात ही इस मामले में नाबालिग थी। 17 साल की उम्र तक अहमद भी वैसा ही था। बाहर निकलने की वजह से इसके इल्म में इजाफा हुआ था, मगर हयात ने ना बाहर की दुनिया देखी ना इन मामलों में इसे दिलचस्पी थी। मगर अपने बाप की ज़ुबानी और अल्लाह की ऐसी बड़ी निशानी का सबक जानकर इसके सोचों के नए दर खुले थे। अब देखना था इसका यह इल्म क्या रंग लाता, मगर इसके अंदर की घुटन कम नहीं हुई थी इसके अंदर की घुटन कम हुई थी, क्योंकि अल्लाह को राज़ी करने वाली बंदी थी, जो अल्लाह की रज़ा जानकर कुछ भी करने को तैयार रहती। और बेशक ये घराना अल्लाह के पसंदीदा बंदों का था, जहाँ मसाइल को बताने में कोई शर्म व हया को बीच में नहीं लाया जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था, मसाइल जानने में शर्म व हया को बीच में न ला। अगर इसकी वजह से तुमसे कोई कोताही हो जाए तो तुम गुनाहगारों में हो। वह खुद अपने सहाबा और सहाबियात और अपनी बेटियों का तमाम मसाइल समझाया करते थे। सर, क्या जवाब दूँ बंसाली साहब को? वो अगली फिल्म साइन करना चाहते हैं आपके साथ, इसके घर का एड्रेस मांग रहे थे, दे दूँ? अतीक के बताने पर इसका सर नफ़ी में हिला था। इस घर का एड्रेस किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए अतीक, और मना कर दो, अब कोई फिल्म साइन नहीं करनी। इसके टोटोक इनकार पर वो हैरान हुआ था। मगर सर, इट्स ओवर अतीक, आज शाम की फ़्लाइट से मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ, किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। टिकट कंफर्म करवाना करवाता भी उसे हिदायत दे रहा था। फ़ोन के रिंगटोन पर अलहान के काम रिसीव करता वो गाड़ी में बैठ चुका था। मेहमान तुम्हारे हैं, खुद हैंडल करो, तुम जानते हो फॉर्मेलिटी नहीं कर सकता मैं, मेरा घर तुम्हारा भी घर है, सो मैं नहीं आ रहा। आज हर काम में वो नहीं नहीं कर रहा था, अपने अंदर की वहशत से वो खुद डरा हुआ था। अलहान के बहुत जोर देने पर इसे मानना ही पड़ा था। 3 दिन से वो अपने घर नहीं गया था, हर जगह इसे हयात दिखाई दे रही थी, जिससे इसकी वहशत बढ़ती जा रही थी। वो अपने उमड़ आने वाले गुस्से से बचने के लिए अपने पहले वाले फ्लैट में रह रहा था। अगर वहाँ रहता तो मुमकिन था वो अपनी फिर बर्दाश्त की लिमिट क्रॉस करके इसे गन पॉइंट पर ले आता, और अब वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहता था जिससे इसकी बीवी और बदगुमान हो। इस दिन इसकी तरफ हयात का वहशत से देखना वो भूल नहीं पा रहा था, वो इसे शायद यावर क्रैशे जैसा ही तस्वर कर रही थी। इस दिन वो अपना माजी इनके सामने खोल कर रखाया था, जिससे इसे यकीन था कि वो लोग इसे कबूल नहीं करेंगे। वो इसे तलाक देने का सोचता तो इसके दिमाग की नसें फटने लगती, इसलिए इसने फैसला किया था कि वो इंडिया छोड़ देगा, जिसकी तैयारी वो इसी दिन से कर रहा था। मगर अपनी बीवी का नाम अपने नाम से अलग नहीं करेगा, वो इसे किसी और के साथ देखने की हिम्मत खुद में नहीं पाता था। तलाक का मतलब था इसे किसी और को देना, जो वो बिल्कुल गवारा नहीं करने वाला था। इस बात की खबर इसने अलहान को भी नहीं दी थी, वरना वो इसका जीना हराम कर देता। वो कुछ सोचता तीक को अपने घर चलने का कहकर सीट की पुश्त से टेक लगा गया था। शायद दिल की भी यह ख्वाहिश थी कि एक बार और इसकी खुशबू इसके रूम में महसूस करें, जहाँ इसका दुपट्टा, इसका गाउन वैसे का वैसे ही इसके बेड पर पड़े थे। वो वही लिबास था जिसमें वो इसके बहुत ज़्यादा करीब रही थी। 2 घंटे पहले ही ये वो आकर सोया था, अलहान के मेहमान आने में वक्त था, इसलिए वो अपने रूम में आकर सो गया था। इसे महसूस हुआ था जैसे कोई आया है। मंदी मंदी आंखें सोए देखने की कोशिश की, जब एक धुंधला सा अक्स दिखाई दिया था जो इसके करीब आ रहा था। बीवी, अब वो अक्स नुमाया हो रहा था, इसकी पहचान बढ़ रही थी। वो इसकी तरफ झुकी थी, वो अभी भी नींद के खुमार में था और शायद अपनी बीवी को ही ख्वाब में देख रहा था। बीवी एक बार फिर यकीन दहानी की थी, फिर इसका चेहरा नज़र आने पर इसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया था, और अगले पल वो इसे अपनी तरफ खींच चुका था। मत सताओ यार, अच्छी बात नहीं है, नौफिल अहमद खान को अपना मरीज़ कर रही हो बीवी, इसकी सज़ा मिलनी चाहिए तुम्हें।
तुमने कहीं का नहीं छोड़ा नौफिल अहमद खान को, और अब नौफिल अहमद खान तुम्हें नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं। वो इसके उपाहों में दबोचे मुकम्मल नींद के नशे में गुम इस पर गुस्सा कर रहा था। क्यों ख्वाबों में आती हो, मना किया है ना, फिर क्यों आकर मेरी बेबसी का मज़ा लेती हो। तुमने बहुत हल्का लिया हुआ है नौफिल अहमद खान को, इसके अंदर के बीस्ट को बार बार आकर मत जगाओ, वरना तुम्हें कहीं छुपने को जगह नहीं मिलेगी। सिवाय नौफिल आमिर खान की पनाह के वो इसे शिद्दत से बीजता जा रहा था, और अचानक बिना सोचे समझे वो इसमें अपनी वहशत और शिद्दत उंडेलने लगा था। कुछ देर बाद इसे अपनी गर्दन पर दबाव महसूस हुआ था, फिर इसके सीने पर जैसे किसी ने इसका कॉलर और शर्ट को जकड़ा हो। किसी के पुरजोर एहतजाज से इसे अपने जिस्म में तकलीफ़ का एहसास हुआ था। फिर इसके चेहरे पर पानी के कतरे गिरने लगे थे, जिससे इसके नींद का नशा कम होता जा रहा था, और फिर वह शॉक रह गया था। नींद का नशा भग से उड़ गया था, वो जिसे अपना तखयल समझता था वो वजूद मुजस्सिम इसकी बाहों में जकड़ा तड़प रहा था। इसने अपना चेहरा दूर करके इसे देखा था, जो बुरी तरह कांप रही थी और बिल्कुल ठंडी पड़ती जा रही थी। बीवी, वो इसे ऐसे ही बाहों में लिए उठ बैठा था। इसकी शिद्दतों से वो बिल्कुल निढाल हो गई थी, वो सिसकती गहरे गहरे सांस ले रही थी। ओह माय गॉड, खुद को जेर लब गाली देता हुआ बिल्कुल ठंडी पड़ती बीवी की तरह मुतवज्जा हुआ था। आई एम सॉरी, मुझे लगा। ओह शिट, वो उसे बेड पर बिठा कर खुद इसके सामने बैठा था, जो अब चेहरा छुपाए अपनी आवाज़ दबाए रो रही थी। पूरा वजूद हिचकियों से हिल रहा था। कुछ देर वो बेबस सा इसको देखता रहा, खुद पर बेतहाशा गुस्सा आया था। बीवी, बात सुनो, इसके ज़बरदस्ती इसके हाथों को हटाया था, जिसने अब तक आंखें बंद कर ली थी। इसने इसका चेहरा अपने दोनों हाथों के प्याले में लेकर इसे समझाने की कोशिश की थी। बात नहीं सुनोगी बीवी, इसके पूछने पर इसने नफ़ी में गर्दन हिलाई थी। देखोगी भी नहीं मेरी तरफ, फिर इसे नफ़ी में गर्दन हिलाई थी। नाराज़ हो, अब ये पूछने पर इसने इस्बात में सर हिलाया था। अभी जो किया इसके लिए नाराज़ हो, तुम्हें लगता है जो किया वो गलत था? इसके इन सवालों पर भी इसने फिर इस्बात में सर हिलाया था। अल्लाह पर यकीन करती हो, हलाल हराम का इलम है ना? इस पर भी जवाब हाँ में आया था। वो अब अपनी बीवी को इसी के अंदाज में डील कर रहा था, और वो प्राइमरी के बच्चों की तरह इसके हर सवाल पर हाँ या ना में जवाब दे रही थी। शायद सुबह की इसके पापा की बातों का असर था। तो फिर यकीन करो, अल्लाह ने यह चीज़ मियाँ बीवी में हलाल की है ना। ये तुम्हारे साथ गलत था, ना मैंने गलत किया, ये अल्लाह ने हमारे बीच हक रखा है। ये हर मियाँ बीवी के दरमियान होता है, और अल्लाह इससे खुश होता है। लेकिन अगर तुम इस तरह से करोगी तो अल्लाह तुमसे भी नाराज़ होगा और मुझसे भी। तुम चाहती हो ऐसा हो? नहीं, मगर अल्लाह आपसे पहले ही से ही नाराज़ है, क्योंकि आप फिल्मों में काम करते हैं। आपके लहजे में नमी के साथ मासूमियत थी। इसके कहने पर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई थी। मैं फिल्में छोड़ दूंगा बीवी, फिर अल्लाह नाराज़ नहीं होगा। क्या अब भी नाराज़ हो? अब के इसने नफ़ी में सर हिलाया था। मगर आपको कैसे पता कि ये अल्लाह ने हलाल किया है? क्या आपने पहले भी शादी की है? वो अब दूर की कौड़ी लाई थी अपनी अकल के मुताबिक, मगर वो अब भी इसकी तरफ नहीं देख रही थी। क्यों पूछा ऐसा? वो इसके सवाल पर शॉक्ड हुआ था। मुझे ये बात नहीं पता थी, और मुझे नहीं पता आपने कैसे किया और क्यों किया, और ना ये मुझे आता है, क्योंकि मेरी पहली बार शादी हुई। अगर आपको करना भी आता है और पता भी है, इसका मतलब आपने मुझसे दूसरी शादी की। इसकी अजीब मंतिक इसका दिमाग घुमा गई थी, मगर इसके इस मासूम एतराज़ पर इसका दिल किया था एक बार और इसे अपनी शिद्दतों से आशना कर दे। बेवकूफ़ तो इसकी बीवी नहीं थी, ये इससे अंदाज़ा था, मगर इसका दिमाग इतने घोड़े दौड़ाता था, इसे अब अंदाज़ा हो रहा था। नहीं बीवी, मेरी पहली और आखिरी शादी तुमसे ही हुई है, और तुम जानती हो ना, नफील अहमद खान झूठ नहीं बोलता। इसके रोने का मूड देखकर इसे यकीन दिलाना पड़ा था। पक्का पक्का टू बीवी, इसकी नाक दबा कर कहा था जिस पर इसने मुंह वसूरा था। और अब बताओ किसके साथ आई हो? 15 मिनट बाद इसे इसकी आमद का ख्याल आया था। सब लोग आए हैं मुझे आपके पास छोड़ने, इसके बताने पर इसे झटका लगा था। इसकी यहाँ मौजूदगी तो पहले ही इसे सरशार कर गई थी, मगर ये तो मज़ीद था इसे नई ज़िंदगी देने का। वो बेख्तियार से करीब हुआ था, मगर इसकी बिखरी हालत देखकर बामुश्किल खुद पर काबू पाया था। अब तो देख लो मेरी तरफ, इसका चेहरा भी अब भी इसके हाथों में था, और इसे यकीन हो गया था
वो इस तरह कई घंटे अपनी बीवी को थामे रख सकता है? अपनी ये हालत इसे हद दर्जा हैरान कर रही थी। नहीं, मुझे नहीं देखना, आप बाहर जाएं। अलहान भाई बाहर थे तो दादी ने कहा कि मैं आपको जगा दूँ और मेरे रूम में मम्मा और दादी नमाज़ पढ़ रही हैं। अंदाज किसी कदर बचकाना और मासूम था। इसका दिल तो नहीं था कि इसे छोड़कर जाए, मगर ससुरालियों के सामने हद में रहना ज़रूरी समझा था। वो इसे कोई भी मौका दिए बगैर ज़ोर से खुद में भेज कर इसकी परेशानी पर भरोसा देता रूम से बाहर चला गया था। कदमों की सरशारी इसकी बेतहाशा खुश होने का पता दे रही थी, लेकिन बाहर आकर वो बौखलाहट का शिकार हो गया था। शायद इन सब की मौजूदगी में वो अपनी बीवी को महसूस करके आया था, जो 3 दिन पहले तक इससे तलाक की डिमांड कर रहे थे। इतने बड़े सुपरस्टार की ऐसी हालत देखकर इन लोगों ने बड़ी मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट छुपाई थी। इस वक्त कौन कहता है इसे कि वो गन पॉइंट पर बात करने वाला बंदा है जो अगले की बोलती बंद कर देता है। अब खुद की बोलती बंद हो रही थी, मगर वो भी नौफिल अहमद खान था। जल्द ही खुद पर काबू पा गया था। कैसा लगा सरप्राइज़ नौफिल अहमद खान? अलहान मुस्कुराहट दुबाता इसके करीब आया था और इसके कान में सरगोशी की थी। पहले नहीं बता सकते थे ये लोग आ रहे हैं। दांत बीच कर इसने सर्द निगाहों से इसे देखा था। क्यों अच्छा नहीं लगा? इडियट, तुम्हारे इस सरप्राइज़ ने किसी की जान मुश्किल में डाल दी थी। किस कदर मुश्किल से वो इसे राज़ी कर पाया था। वो पहले कम बदगुमान थी मुझसे, जो और रही सही कसर भी पूरी करवा रहे थे। इसके फंकारने पर वो बामुश्किल अपना कहका रोक रहा था। क्यों ऐसा क्या कर दिया तुमने जो तुम्हारी जान की जान खतरे में पड़ गई थी? इसके पूछने पर वो इसे घूरता हुआ इन लोगों से मिलने लगा था। फिलहाल वापस अपने कमरे में इन लोगों के सामने जाकर वो एक और हिमाकत का सबूत नहीं दे सकता था, मगर इसके दोबारा अपनी शिद्दत दिखाने पर अंदर हाल से बेहाल हुई अपनी बीवी की फिक्र हो रही थी। इसे यकीन था वो इसके क्या किसी के भी सामने नहीं आएगी जो इसी की मरहूने मिन्नत थी। अपने ऊपर इसे बेतहाशा गुस्सा आया था, जो अपनी खुशी वो इस पर लुटा आया था, मगर इसके वजूद की नरमियाँ इसे अभी महसूस हो रही थी जो इसे मखमूर कर रही थी। इसका खोया खोया अंदाज सबने महसूस किया था और एक जुमायनी मुस्कुराहट सबके चेहरों पर दौड़ गई थी। एक बाप और भाई के लिए सबसे बड़ी नेमत इनके घर की बेटी के लिए एक अच्छे शोहर का मिलना होता है, और फरहान सिद्दीकी की जैरक निगाहें इस पल नौफिल अहमद खान को अंदर तक जान गई थी। उन्होंने बे इख्तियार अपने रब का शुक्र अदा किया था कि अल्लाह ने इनके ज़बरदस्ती के फैसले को रद्द करवा कर इन्हें एक अजीम गुनाह से बचा लिया था।